नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। होपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशन को साथ में कैसे लगाएं ताकि जो उसके रिजल्ट्स है वो डबल हो करके सामने आए, रिश्ता डबल इफेक्ट्स के साथ में ठीक हो जाए। कितनी भी कड़वाहट क्यों ना आ गई हो रिश्ते में, सामने वाला आपके लिए पोलाइट हो जाएगा, आप सामने वाले के लिए पोलाइट हो जाएंगे, और जब दोनों तरफ से पोलाइट पोलाइट होगा तो रिश्ता बेहतरीन हो जाएगा। कैसे करना है आपको वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर में हम अपनी हीलिंग करते हैं, जहां पर हम अपने आप को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हैं एनर्जी के रूप में। हम इस शरीर के पहले अंदर अगर देखा जाए तो आत्मा है, हम एनर्जी के रूप में अपने आप को हील करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। लव वाइब्रेशन में हम सामने वाली एनर्जी के साथ में अपने कनेक्शन को हील कर रहे होते हैं, रिश्ते को ठीक कर रहे होते हैं, उससे सॉरी बोलते हैं, उससे प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं, उससे थैंक यू बोलते हैं, उससे आई लव यू बोलते हैं। अब जब ये दोनों चीजों को हम साथ में मिलाते हैं तो हीलिंग और हीलिंग रिजल्ट आता है, रिश्ता हील हो गया। कैसे करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये रात को सोने के पहले का समय ही चुनना चाहिए करने के लिए, क्योंकि उस समय पर जो लव वाइब्रेशन भेजने के इफेक्ट्स आए हैं ना, रिजल्ट्स आए हैं ना, वो ब्यूटीफुल आए हैं। तो अगर आपके पास नहीं है रात को सोने के पहले वाला समय तो आप दिन में कभी भी भेज सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप रात को भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर नहीं भेज सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी समय पर भेज सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर आपको पहले खुद के लिए करनी है, शुरू के 5 मिनट तक अपने आप को हील करना है, अपने आप को बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें आप अपनी गलतियां भी लगा सकते हैं, आपको पता ही नहीं है आपने कुछ किया है फिर भी सामने वाले के साथ में आपका रिश्ता खराब हो गया है। तो जब नहीं पता होता है, कर्मा आ चुका होता है, आप उसकी भी हीलिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको शुरू के 5 मिनट तक अपने आप को बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बिल्कुल चैंट की तरीके से करना है, बोलते चले जाना है। आप इसे मुंह से भी बोल सकते हैं और मन ही मन में भी बोल सकते हैं, ताकि आपकी हीलिंग जो है हो जाए। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, शुरू के 5 मिनट जब आपने अपने आप को समय दे दिया, तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, अच्छा लगेगा, जैसे कि कोई चीज हल्की हो गई है। अब इस हल्केपन के साथ में आप सामने वाली एनर्जी को लव वाइब्रेशन भेजते हैं, जो कि बहुत ही प्यार से भेजते हैं। जितने प्यार से आपने अपने आप को आई एम सॉरी बोला होता है, उतने ही प्यार से आप सामने वाली एनर्जी को भी आई एम सॉरी बोलते हैं। जितने प्यार से अपने आप को प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं, सामने वाली एनर्जी को भी उतने ही प्यार से प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं। कि अगर कोई भी गलती हो गई है, जाने में अनजाने में, तो प्लीज फॉरगिव मी। फिर फील करते हैं कि उसने बोला जा तुझे माफ किया, अब हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, अब हम दोनों प्यार से बात करते हैं। आप ये चीज को फील करते हैं और बोलते हैं थैंक यू एंड हग करते हैं आई लव यू। शुरू में 5 मिनट तक आपको अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, और 5 मिनट जब आपके हो जाते हैं उसके बाद में आपको लव वाइब्रेशन भेजनी है। आपको ऐसे लगता है कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए थोड़ी और ज़्यादा करनी है तो आप अपने हिसाब से टाइम रख सकते हैं, बट मिनिमम 5 मिनट्स शुरू में होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, और बिना गैप के, बिल्कुल गैप मत डालिए, सीधा सामने वाली एनर्जी को बिठा दीजिए और उसको बोलना शुरू कर दीजिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इससे होगा क्या, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग की, आप हल्के हुए, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब इस एनर्जी के साथ में जब आप भेजते हैं तो आप सचमुच में एक हल्की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, और इसमें साथ में जब हम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ जाते हैं जैसा हमने अपने साथ किया है ना, हमें सामने वाली एनर्जी के साथ में भी करना है। ये जो रेजिस्टेंस हमारी तरफ से था ना, वो कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करके कम हो गया होता है। और अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं, जैसे 21 दिन
मिनिमम टाइम जो होता है, अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो 21 दिन तक आप इसे अगर नॉन स्टॉप करते हैं तो आप अपनी तरफ का 100% रेजिस्टेंस खत्म कर देते हैं। आपकी जो बोली हुई चीजें हैं, आपकी जो प्रेयर है, आप जो हीलिंग दे रहे हैं, वो सामने वाले एनर्जी तक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पहुंच जाती है और बहुत जल्दी पहुंच जाती है। और रिजल्ट्स के तौर पर सामने वाली एनर्जी, सामने वाला इंसान आपसे बात करने लग जाता है, सामने वाला इंसान आपके साथ में रिश्ते को मधुर बनाने के लिए स्वयं आपके सामने आ जाता है। आप लव वाइब्रेशन का वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। होपोनोपोनो प्रेयर भी कैसे करनी है आप उसको भी देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। कोशिश करें कि आप इसे बोल के करें, बट आप ऐसी जगह हैं जहां आप बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं है, आप मन ही मन में कीजिए। लेकिन होपोनोपोनो प्रेयर मिनिमम 5 मिनट करनी है, उसके बाद में ही आपको लव वाइब्रेशन पर जाना है। पहले आप खुद को लेंगे, उसके बाद में आप सामने वाली एनर्जी को लेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए फर्स्ट हम ही हैं। एनर्जी रूप में भी अगर आप देखेंगे तो हीलिंग कौन कर रहा है? हम, यानी कि फर्स्ट हो गए हम, सामने वाली एनर्जी जो है वो सेकंड है। तो आपको पहले अपनी हीलिंग कर लेनी है, उसके बाद में आपको सामने वाले की हीलिंग करनी है, अपने रिश्ते की हीलिंग करनी है, अपने लिए ये सब कुछ करना है ताकि आप दोनों के रिश्ते के अंदर ब्यूटी ऐड हो जाए, आप दोनों का रिश्ता जो है मधुर हो जाए। आप बिल्कुल अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आपको सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है, नहीं भेजनी है लव वाइब्रेशन, नो प्रॉब्लम, मत भेजिए। आपको सिर्फ लव वाइब्रेशन भेजनी है, होपोनोपोनो प्रेयर नहीं करनी है, मत कीजिए। लेकिन ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं ये दोनों को जोड़ने का एक तरीका बता रही थी आपको कि शुरू में 5 मिनट तक आप अपनी पहले हीलिंग कीजिए, उसके बाद में सामने वाली एनर्जी को आप लव वाइब्रेशन भेजिए। तो जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, इसके जो इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि आपने खुद को पहले हील करके सामने वाली एनर्जी को हीलिंग एनर्जी भेजी है, तो ये थोड़ी ज्यादा जल्दी जाएगी और आपके पास रिजल्ट्स ज्यादा जल्दी आएंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।